हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फेस के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर के आई हूं। दोस्तों, ये ट्रिक आप अजमा करके देखना। तो हम लेंगे एक चम्मच मैदा। मैदा हमारी डल स्किन को रिमूव करेगा और जो भी हमारे फेस पे निशान होते हैं उसको लाइट एंड लंबे समय तक आप अगर इसको यूज करेंगे तो बिल्कुल भी निशानों को ठीक कर देगा। तो एक चम्मच हमने मैदा लिया है, उसके अंदर एक चम्मच मिला लेंगे शहद। शहद दोस्तों खुद ही एक बैक्टीरिया से बनता है, यानी पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हमारी डल स्किन को रिमूव करेगा और अंदर तक स्किन के अंदर मर्ज होकर के अच्छे से जो डल स्किन होती है, पिगमेंटेशन होते हैं, वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे और इन दोनों पेस्टों को हम अब अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और इसके अंदर थर्ड नंबर पे मिला लेंगे चुटकी भर हल्दी। चुटकी भर हल्दी, हल्दी हमारी स्किन को शाइन देगी और डल स्किन को भी रिमूव करने में सहायता करेगी। इसके अंदर हम कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी ही डाला है, ये भी सही है। इन तीनों चीज़ों को मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया दोस्तों। तो ये मैंने पानी इसलिए बताया कि कई बार अवेलेबल नहीं होता कच्चा दूध, और तो उस तरीके से भी हम पेस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने ये रेडी कर लिया है, इसको हम फेस पे लगाएंगे। अगर हमारी हाथों की पैरों की स्किन डल है तो उस पे भी लगाएंगे, हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही लूज है तो वो टाइट करने में बहुत ही फायदेमंद करेगी दोस्तों। ये ट्रिक अब अजमा करके देखना और लाइक करना।